नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। दोस्तों, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 40, और इसी का एक सेक्शन है सेक्शन 40A। तो ये दो सेक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सेक्शन 40 क्या बोलता है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इसके जो प्रोविजंस है वो तो अप्लाई होंगे ही। हाई कोर्ट भी अगर कुछ रूल्स नियम अगर बनाता है इस एक्ट को लेकर के, वो भी अप्लीकेबल होंगे। लेकिन ओवरऑल जो ये एक्ट है, ये रेगुलेट होगा सिविल प्रोसीड्योर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908 जो है, उससे ये रेगुलेट होगा। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर एप्लीकेबल हो जाता है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 40। अब पढ़ते हैं सेक्शन 40A। ये बोलता है ट्रांसफर ऑफ पिटीशन, पावर टू ट्रांसफर पिटीशंस इन सर्टेन केसेस, पावर टू ट्रांसफर पिटीशंस इन सर्टेन केसेस। इसके तीन सबसेक्शंस हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। और सबसेक्शन 1 के दो सब पार्ट है, ए बी, ठीक है। तो अब है पहले ए वाला जो पार्ट है वो देखते हैं हम लोग। एक पार्टी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन दिया, या तो सेक्शन 23 के लिए दिया या सेक्शन 27 के ऊपर दिया। सेक्शन 23 होता है जुडिशियल सेपरेशन के लिए, 27 होता है डाइवोर्स के लिए, और वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो पिटीशन को दिया। अब दूसरा जो पार्टी है वो भी पिटीशन दिया अंडर सेक्शन 23 फॉर जुडिशियल सेपरेशन या अंडर सेक्शन 27 फॉर डाइवोर्स। वो पिटीशन वो सेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे सकता है जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहला पार्टी दिया था, उसमें भी दे सकता है, या कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे सकता है, या फिर कोई दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे सकता है। अब हो गया, केस एक ही है, सेक्शन 23 या सेक्शन 27। एक में एक पार्टी पिटिशनर है, दूसरा पार्टी रेस्पोंडेंट है, दूसरे में दूसरा पार्टी पिटिशनर है और पहला पार्टी रेस्पोंडेंट है। इस केस में क्या होगा? तो क्लाउज ए तो हो गया ये, क्लाउज बी हो गया आपका जो हस्बैंड है, मतलब सॉरी, तो दूसरा पार्टी है वो जो केस फाइल करते हैं। तो अब क्या होगा ये बताया गया है सबसेक्शन 2 में। अब ये होगा कि अगर सेम कोर्ट में ही दोनों पार्टी दोनों पिटीशन देते हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें एक पार्टी दिया, उसके बाद उसी कोर्ट में दूसरा पार्टी भी दे दिया, तब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों ही केसेस को चलाएंगे, दोनों ही केसेस चलेगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है या दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है तब क्या होगा? तब उस केस को पहले वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पर कि पहला केस फाइल हुआ था वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां ट्रांसफर हुआ है वो फिर दोनों केसेस चलाए। ये है सबसेक्शन 2 के बाद। सबसेक्शन जो 3 है वो बोलता है कि ट्रांसफर कौन करेगा, ट्रांसफर करने का पावर किसके पास है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर में जो पावर दिया गया है कोर्ट के ऊपर में, जो उसका सुपीरियर कोर्ट है या फिर गवर्नमेंट, वो केसेस को ट्रांसफर कर सकती है। ये सबसेक्शन 3 के अंदर बोला गया है। तो दोस्तों, यही था सेक्शन 40 और 40A। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।